कक्षा छः से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। आवेशीय पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आवेशीय पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो बेटा घनत्व शब्द यहां लगा हुआ है, कौन सा शब्द? घनत्व। वैसे डी से लिखा जाता है, आप जो है 9th, 10th, 11th, 12th सभी में पढ़ते हो घनत्व। डी बराबर एम अपान बी, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व कहलाता है। परिभाषा सुश्री जी बनती है, एकांक आयतन में निहित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो वैसे आवेशी पृष्ठ घनत्व माने किसी पृष्ठ में उपस्थित आवेश का घनत्व। तो कैसे निकाला जाएगा बता दे रहा हूं। जैसे ये कोई एक पृष्ठ हो, ये हमारा हाथ नहीं बल्कि क्या है, और मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला 10 वर्ग मीटर, कितना क्षेत्रफल पृष्ठ का, और इसे हम बिजली तार से जोड़ के चार्ज करना शुरू कर दिए। हमने देखा कि ये जब जो है 40 कूलम चार्ज इस पर आ गया तो पूरी तरह से फुल चार्ज हो गया। कितने क्षेत्रफल का ये, कितना चार्ज खा रहा है, 40 कूलम खा रहा है नहीं, माने 10 वर्ग मीटर को चाहिए 40 कूलम। आप जानते हो बेटा, आप पढ़ते हो, आपको दिमाग में बैठा भी रहना चाहिए कि फिजिक्स हमारी हर जगह एक या एकांक के लिए यूज होती है। तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, 40। तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, 10 चौक 40 चार आएगी ना। तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशी पृष्ठ घनत्व कहलाती है। माने इकाई क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में जितना भी जो है आवेश रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आवेशी पृष्ठ घनत्व। तो मतलब यह परिभाषा बन गया, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशी पृष्ठ घनत्व कहलाती है। व्यापक रूप में आवेशी पृष्ठ घनत्व को छोटा सिग्मा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, ऐसे आवेश अपान क्षेत्रफल सूत्र। तो आवेशी पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, मात्रा किसका आप देख रहे हो, कूलाम प्रति वर्ग मीटर। इधर क्लियर? लेकिन बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है 6 आकृतियों का प्रयोग होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, कभी आवेशित गोली चालक के लिए, कभी आवेशित गोली अचालक के लिए, चालक प्लेट के लिए, अचालक प्लेट के लिए, चालक तार के लिए, ऐसे बताए हैं। तो अलग अलग आकृतियों का प्यारे बच्चों आवेशी पृष्ठ घनत्व अलग अलग होता है, और मैं सभी आकृतियों का आवेशी पृष्ठ घनत्व का सूत्र परिभाषा मात्रक सिखाने जा रहा हूं, मेरे साथ आप भी सीख लीजिए, याद हो जाए। क्यों?
क्योंकि इसके बाद 6 डेरिवेशन करने हैं गॉस प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आकृतियों के लिए, तो वो सब में आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो चैप्टर पूरी तरह मैथमेटिकल है लेकिन हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। सुहाना बेटा क्या बताने जा रहे हैं, आवेशी पृष्ठ घनत्व लेकिन अलग अलग आकृतियों के लिए। तो समझो क्या है, सबसे पहले बेटा आवेशी पृष्ठ घनत्व मैं बताऊंगा। आवेशित चालक गोले हेतु, आपको यह भी बताया था कि जब चालक गोला रहे तो इसका मतलब कैसा गोला है, आपको जो है बताते समय बताया था कि चालक गोला मतलब खोखला गोला, जो भीतर से खोखला उसे ही हम चालक गोला कहेंगे या उसे ही हम गोली कोष कहेंगे। ठीक है, तो चाहे कहे आवेशी चालक गोला और चाहे क्या कहे एक ही बात है ना। और बच्चों जब आवेशित चालक गोले का आवेशी पृष्ठ घनत्व बताना रहे तो उसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं और उसका सूत्र क्यू अपान ए ही होता है, माने क्यू अपान ए ही जाना जाता है। जैसे अगर ये आर त्रिज्या का कोई एक चालक गोला हो, शिवांशु कितने त्रिज्या का, इसे अगर हम चार्ज करें और इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश आ जाए, कितने कूलाम का, तो आवेशी पृष्ठ घनत्व तो जब इसका निकालोगे, आवेशी पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर क्या सूत्र होता है, एक ही जगह यहां लिख दोगे क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। और इस तरह से आवेशी पृष्ठ घनत्व का सूत्र आ जाएगा सिग्मा बराबर क्यू अपान 4πr², इसे रट रखोगे, ये किसका आवेशी पृष्ठ घनत्व का व्यंजक है, आवेशित गोली चालक के लिए। याद हो गया कि फिर से बताएं, देख लीजिए जरा, किसी आवेशित चालक गोले का आवेशी पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा से व्यक्त किया जाता है और गोली चालक के एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशित चालक गोले का आवेशी पृष्ठ घनत्व होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए या क्यू अपान 4πr², याद हो गया। अब किसके लिए बताएंगे, आवेशित अचालक, अचालक गोला माने ठोस गोला, भारतु गोला, ध्यान दीजिए जरा, आवेशित अचालक गोला, अचालक गोला का मतलब क्या होगा बेटा, ठोस गोला, चाहे अचालक गोला कहे चाहे ठोस गोला, हम याद करा रहे हैं आपको, जानते रहना है, का आवेशी पृष्ठ घनत्व, अचालक गोले का आवेशीय पृष्ठ घनत्व रो से व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है, इस अक्षर से, और इसका सूत्र होता है क्यू अपान बी, क्या सूत्र होता है, परिभाषा कैसे बनाओगे, किसी आवेशित अचालक गोले के प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश की मात्रा अचालक गोले का आवेशी पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और अगर इसका सूत्र जानना चाहे तो रो बराबर क्यू अपान आयतन का सूत्र गोले का क्या होता है, समझ में आ गया बेटा, परिभाषा कैसे बनाएंगे, किसी आवेशित अचालक गोले के प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश की मात्रा अचालक गोले का आवेशी पृष्ठ घनत्व तो कहलाता है, रो बराबर क्यू अपान वी या क्यू अपान 4/3πr³, जहां कहीं आएगा याद रहेगा तो लिख लोगे कि नहीं, जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन में तो आप जान जाओगे। अब बेटा आवेशित चालक तार किसके कारण, बेटा इसे रेखीय पृष्ठ घनत्व तो कहते हैं, कौन सा पृष्ठ घनत्व कहते हैं बेटा, और शिवांशु से लेमडा से व्यक्त करते हैं,
किससे? और इसका सूत्र होता क्यू अपान एल, परिभाषा पढ़ते ही होगी सबकी। कैसे? किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा चालक तार का रेखीय पृष्ठ घनत्व कहलाता है। नहीं समझ में आया? यहां मात्र क्या होगा, जोर से बता दो कोई लोग। कूलाम प्रति वर्ग मीटर, यहां कूलाम प्रति घन मीटर, यहां कूलाम प्रति मीटर। नहीं समझ में आया? ऐसे ही आवेशित, बिना आवेशित रहे जो रहे चार्जर में रहे, अचालक प्लेट, कौन सी प्लेट बेटा, का आवेशीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा से लिखा जाता है क्यू अपान के, मात्र कूलम प्रति वर्ग मीटर। क्या बोलो परिभाषा? किसी अचालक प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा अचालक प्लेट का आवेशी पृष्ठ घनत्व कहलाता है। समझ में आया बेटा? तो ये 1, 2, 3, 4 चार प्रकार का आवेशी पृष्ठ घनत्व आपको याद रखना है। अब तो याद हो गया, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशी पृष्ठ घनत्व तो कहलाती है, सिग्मा से व्यक्त होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान। अलग अलग आकृतियों का आवेशित पृष्ठ घनत्व तो अलग अलग हो गए हैं। आवेशित अचालक गोले का आवेशित पृष्ठ घनत्व तो यदि निकालना हो तो छोटा सिग्मा से व्यक्त होता है क्यू अपान के। अचालक गोले का आवेशित पृष्ठ घनत्व तो अचालक गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा के बराबर होता है, छोटा सिग्मा से व्यक्त होता है क्यू अपान 4πr² सूत्र होता है। किसी आवेशित अचालक गोला माने ठोस गोला का आवेशित पृष्ठ घनत्व रो से व्यक्त होता है प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश क्यू अपान बी या क्यू अपान 4/3πr³ सूत्र होता है। किसी आवेशित चालक तार का आवेशित पृष्ठ घनत्व लेमडी बराबर क्यू अपान एल माने एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा, इधर क्लियर। और ऐसे अचालक प्लेट का एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा सिग्मा बराबर क्यू अपान ए मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर। सबको समझ में आ गया? और बच्चों इन सब की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जो डेरिवेशन करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का, इसलिए इनको हम अलग से समझ